हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्कल 2.0। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिक मेसनरी सर्कुलर सीवर की ड्राइंग, ठीक है। और दोस्तों, जो हम लोग ये ड्राइंग पढ़ रहे हैं, ये दोस्तों उत्तराखंड बोर्ड और जो हमारा UPBT बोर्ड है, उन दोनों ही बोर्ड में कॉमन है। हालांकि दोनों ही बोर्ड में जो सब्जेक्ट है दोस्तों, वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। UPBT में इसको WWE ड्राइंग के नाम से जानते हैं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर में है, ठीक है। और उत्तराखंड में दोस्तों यही सब्जेक्ट जो है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से जाना जाता है, वो भी सिविल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर में, ठीक है। तो इनका ये सब्जेक्ट का जो सिलेबस है बिल्कुल कॉमन है। तो आप लोग दोस्तों इन वीडियोस को वॉच करके अपना जो कंप्लीट सिलेबस है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप लोग प्ले लिस्ट चेक करिएगा, वहाँ पर आपको जो है आपके अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपको सिंपली उसके लिए यूट्यूब चैनल पर जाना होगा। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ड्राइंग। तो आज हम दोस्तों जो है हमारा मेसनरी सर्कुलर सीवर स्टार्ट करेंगे, और इसमें भी हम आज सर्कुलर पढ़ेंगे, और फिर जो हमारा कल का ड्राइंग होगा उसमें हम एग शेप सीवर पढ़ेंगे, ठीक है। आपको हम मेसनरी सीवर दो तरीके के बताए थे। देखिए, हम आपको आपका सिलेबस दिखाते हैं, एक सेकेंड। अगर दोस्तों आप लोग अपना सिलेबस देखते हैं, ठीक है, ये UVTR बोर्ड का है, तो इसमें सीवर में जो है मेसनरी सीवर पढ़ना है दो तरीके का, सर्कुलर और एग शेप, ठीक है। और जो UPBT वाले हैं उनको भी देखिए, यहाँ पे जो ब्रिक मेसनरी सीवर पढ़ना है वो दो टाइप का, एक सर्कुलर और एक एग टाइप, ठीक है। एग में ओल्ड और न्यू दोनों बता देंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे सर्कुलर सीवर की ड्राइंग, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, और डेटा क्या दिया गया है चलिए पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि ड्रॉ द एक्स सेक्शन ऑफ ब्रिक मेसनरी सर्कुलर सीवर, यानी आपको क्या करना है, एक ईंट का चिनाई का जो वृत्ताकार सीवर है उसका ड्राइंग बनाना है, ठीक है, उसका एक्स सेक्शन तैयार करना है। और ये जो डेटा आपको दिया गया है दोस्तों, ये दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अगर दे देता तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, बोला है इंटरनल डायामीटर, तो ये सीवर का इंटरनल डायामीटर है जो कि है आपका 90 सेंटीमीटर यानी 900 mm, ठीक है। फिर बोला है कि फिर इसके बाद आपको क्या करना है, 12 mm जो है थिक इनर प्लास्टर करना है, ठीक है। आप देखेंगे अभी कि हमें इनर प्लास्टर भी करना होता है जो सीवर पाइप होता है उसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो वो भी हम देखेंगे। इसके बाद फिर हमें बोला गया है यूज्ड फर्स्ट क्लास जो है ब्रिक्स विथ सीमेंट मोर्टार इन इनर रिंग एंड आउटर रिंग ऑफ सीवर। सीवर ये हम बना रहे हैं दोस्तों ब्रिक मेसनरी का, तो इसमें हम ईंट की दो रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो एक आउटर रिंग होती है, एक इनर रिंग होती है, तो दोनों ही रिंग को हमें बनाना है, वो भी ब्रिक की यूज से, ठीक है। तो वो बताया गया है यहाँ पे, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। ब्रिक का साइज सबको पता ही होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा दिया गया है इनर ब्लॉक, ठीक है। तो इनर ब्लॉक हम नीचे बनाते हैं, ठीक है, जिस पर हमारा पूरा का पूरा ब्रिक मेसनरी सीवर टिका होगा, फिर नीचे हमारा फाउंडेशन होगा, ठीक है। तो वो देख लेंगे। तो इनर ब्लॉक का जो साइज दिया है वो दिया है 120 mm, और गोड़े में जो है 400 mm दिया है। तो ये दोस्तों इसकी जो है थिकनेस है, और ये इसकी चौड़ाई है, लेंथ जो है वो सीवर पाइप के बराबर हो सकती है, ठीक है। तो उस पर फोकस नहीं करना, मेन हमें ये दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो हमें ये दे दिया है इनर ब्लॉक, अगर नहीं देगा तब हम कैसे बनाएंगे, और अगर नहीं भी ये इनर ब्लॉक दिया जाता है या पूरा डेटा नहीं दिया जाता है, तब आप इसका ये साइज़ याद कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं इसका दूसरा मेथड भी बता दूंगा इनर ब्लॉक को बनाने का, एंगल लेकर के, ठीक है। तो वो हम किसी अगले क्वेश्चन में जो है देख लेंगे, अभी हमें एग टाइप भी पढ़ना है ना, तो वहाँ पर हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको माननी पड़ेगी एक सूटेबल स्केल, तो मैं स्केल मान लेता हूँ 1/10 की, ठीक है। चलिए, तो स्केल आप मानते हैं, तो ये आपका डायमीटर कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। सिंपल है, देखिए मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा, आप 900 को डिवाइड करिए 10 से, तो आपका 90 mm आएगा यानी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई? चलिए, तो अब आप जो डायमीटर है वो ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। तो आपको 9 सेंटीमीटर यहाँ पर लेना है दोस्तों। तो आप सबसे पहले क्या करिए, रेडियस ले लीजिए इसका, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये तुम ले लोगे और इस तरीके से इसको बनाओगे यहाँ पर, ठीक है। और आपको दोस्तों ध्यान रखना है, पेन का यूज़ नहीं करना है आपको, केवल और केवल आपको दोस्तों यहाँ पे पेंसिल का यूज़ करना है अपने एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से तुम ये कंप्लीट सर्किल बना लोगे, ठीक है। जो हमारा स्केल में आया है 9 सेंटीमीटर, उसका तुम आधा करोगे, रेडियस आ जाएगा 4.5, और ये बना लोगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है 12 mm थिक इनर प्लास्टर, ठीक है। तो 12 mm आप जब चेंज करेंगे, 10 से भाग देंगे, तो 1.2 mm आएगा, ठीक है। देखिए, आप चेंज भी कर सकते हैं, 12 mm को डिवाइड करिए 10 से, तो 1.2 mm आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1.2 mm पर पॉइंट रख लेंगे ऊपर, देखिए इस तरीके से। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देता हूँ, प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकंड रुकिए दोस्तों।
प्लीज़ थोड़ा वेट करिए। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपको 1.2 mm लेना है, तो आप इस तरीके से ऊपर पॉइंट रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, रख लिया। एंड रखने के बाद इस तरीके से डिस्टेंस लेते हुए तुम एक कंप्लीट सर्किल जो है बनाओगे। इस तरीके से समझ में आया ना। चलिए इसमें आप तुम डॉटेड लाइन इस तरीके से दिखा दो, डॉटेड पॉइंट इस तरीके से दिखाओ ऐसे। ये तुम्हारा सीमेंट प्लास्टर है, ठीक है, ये तो ये जल्दी से तुम दिखा दो पूरे में। तो ये तुम इस तरीके से क्या कर दोगे, सीमेंट प्लास्टर यहाँ पे दिखा दोगे, ठीक है। ये कितना है, 12 mm थिक, 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टर या मोर्टार कह सकते हो, सीमेंट प्लास्टर। इसका रेशियो कितना है, 1:2, ये तुम दिखाए हुए हो, ठीक है। और ये क्या है इसका, 900 mm फाई इंटरनल डाया, ठीक है, इतना कर लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब दोस्तों क्या करना होता है, इस पर जो ईंट की रिंग्स होती है, ब्रिक की रिंग्स होती है, वो हमको बनानी होती है, ठीक है। तो अब जो ब्रिक की रिंग्स हम यहाँ पे बनाएंगे, देखिए वो कैसे बनाएंगे, या आप इससे पहले दोस्तों क्या कर लीजिएगा, जो आपका इनर ब्लॉक है वो बना लीजिए, ठीक है, आपके लिए हेल्प रहेगी, इरेजर कम करना पड़ेगा। तो इनर ब्लॉक का साइज़ है 120 mm और गुणे 400 mm, तो 120 mm आपको इससे नीचे आना है और 400 mm सेंटर से इस साइड जाना है 200 और इस साइड जाना है 200। तो 120 mm को हम अगर स्केल में चेंज करेंगे, 10 से भाग देंगे तो 12 mm आएगा, यानी 1.2 cm, ठीक है। ये छोटी छोटी सी आपकी कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हैं माइंड में, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटर में सेट करिए एंड आपको 1.2 सेंटीमीटर नीचे आना है, देखिए। तो ये तुम्हारा 1 एंड ये 1.2 तुम नीचे आ गए, इतना समझ में आया। अब तुमको 400 ये जो है चलना है, तो देखिए कैसे चलना है, इसको चेंज करिए, पहले इसको चेंज करिए, तो तुम 10 से भाग दोगे तो ये तुम्हारा आएगा 40 mm, यानी 4 सेंटीमीटर। तो तुम 2 सेंटीमीटर लेफ्ट जाओगे, 2 राइट, तो ये 1 एंड ये 2 और इस साइड 1 एंड ये तुम्हारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा दोस्तों बनेगा इस तरीके से इनर ब्लॉक, ठीक है। अभी इसको इतना ही रहने दीजिएगा। अब तुम्हारी रिंग आएगी, तो तुम रिंग को लेकर के आओ, ईंट की रिंग, जैसे तुम आर्च बनाते थे ना, उसमें जो रिंग तुम बनाते थे वैसे, ठीक है। चलिए तो देखिए बोला था आपको कि यूज फर्स्ट क्लास रेडियल ब्रिक्स विथ सीमेंट मोर्टार इन इनर रिंग एंड आउटर रिंग ऑफ सीवर, ठीक है। तो एक इनर रिंग होगी और फिर उसके ऊपर से एक रिंग और लगाते हैं जिसको आउटर रिंग कहते हैं। तो आपको पहले तो ब्रिक का साइज पता होना चाहिए, 19 cm × 9 cm × 9 cm, ठीक है। और विथ मोर्टार हमारा हो जाएगा कितना दोस्तों, 20 cm × 10 cm × 10 cm। तो जब सामने से देखेंगे तो ईंट का हमें हेडर दिखाई देगा, ठीक है, यानी 10 cm × 10 cm। स्केल में चेंज करेंगे तो 1 cm × 1 cm आएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1 cm पर एक पॉइंट मार्क कर लेंगे ऊपर, ठीक है, सेंटर में रखिए इस तरीके से, और तुम 1 cm पर एक पॉइंट इस तरीके से रख लो। और मैं इसको अभी दोस्तों बना रहा हूँ किससे, पेंसिल की हेल्प से, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें इरेज करनी हो सकती हैं, तो इसीलिए मैं अभी इसको पेंसिल से ही बनाता हूँ, या आप कहें तो मैं पेन से बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब हेल्प मिल जाएगी, मैंने इनर ब्लॉक की पोजीशन फिक्स कर दी। तो आप इस तरीके से ये कंपास में डिस्टेंस लोगे और लेने के बाद इसको ऐसे लेके आओगे, ये तुम्हारी इनर रिंग बन रही है, क्या बन रही है, इनर रिंग बन रही है, ध्यान रखो। और इसको केवल यहीं तक रखो अभी, ठीक है, वरना फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारे लिए नहीं होगा क्योंकि तुम बना रहे होंगे पेंसिल से, मैं बना रहा हूँ इसको पेन से, तो मैं इसको अभी यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। चलिए ये हमारी जो है दोस्तों इनर रिंग है, अभी समझते जाइए, इसमें अभी हम ईंट्स भी भरेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों हम फिर आउटर रिंग बनाएंगे इसी के जस्ट बाहर, ठीक है, लेकिन दोनों रिंग को जोड़ने के लिए बीच में एक कॉलर जॉइंट दिया जाता है, वो भी दोस्तों 12 mm का ही होता है, आपको भले ना दिया गया हो लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अभी कंप्लीट ड्राइंग बन जाएगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आउटर रिंग और इनर रिंग के बीच को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जो है दोस्तों कॉलर जॉइंट देते हैं, ठीक है। तो कॉलर जॉइंट भी हमारा 12 mm ही जो है मोटा लिया जाता है, यानी 1.2 mm आएगा हमारा, ठीक है। तो 1.2 mm पे तुम फिर से पॉइंट रख लो ऐसे, 1.2 mm पे तुम फिर से पॉइंट रख लो ऐसे, और रखने के बाद इस तरीके से तुम कंपास को और फैला लो ऐसे, और ये डिस्टेंस ले करके इस तरीके से तुम नीचे बनाते चले आओ ऐसे, ठीक है, इस तरीके से
बहुत सावधानी पूर्वक बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया तो सब गलत हो जाएंगे। चलिए इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों करना क्या है, तुम्हें इस तरीके से ही अपना एम डी सेट किए रहना है, और जो अब तुम्हारा इनर ब्लॉक है इसको धीरे से ऊपर ले जाना है ऐसे, बस आउटर तक, ठीक है, अंदर तक नहीं ले जाना है, यहीं तक, और इसको भी थोड़ा सा अंदर तक लेके जाना है, यहाँ तक, ठीक है। और अब तुम्हें मैच कराना है ऐसे सेंटर को, सेंटर को मैच कराना है ऐसे, देखो, और इसको लेके जाना है यहाँ तक, ऐसे मिला दोगे। अब इसको मिलाओगे इस सेंटर के साथ, और इसको एक सेकंड ऐसे मिलाओगे, ठीक है। ये तो तुम्हारा इनर ब्लॉक बन चुका है, ठीक है। ये कंक्रीट का होता है, ये किसका होता है, कंक्रीट का, तो वो तो सब छोड़िए, पहले इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें इरेज भी नहीं करना पड़ा, और मैं ऐसी टेक्निक से बता रहा हूँ ताकि तुम एग्ज़ाम में ये इरेज विरेज ना कर पाओ, ठीक है, तुम्हारा टाइम बच जाए, वरना तुम बनाओगे फिर इरेज करोगे तो पहले तो ड्राइंग शीट तुम्हारी गंदी होगी, ठीक है, और दूसरा टाइम लगेगा तुम्हें। देखिए हमें बस थोड़ा सा मिलाना पड़ा यहाँ पे, और देखिए ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब जो ये तुम्हारी कॉलर जॉइंट यहाँ बनी थी, इसमें भी तुमको क्या करना है, इस तरीके से मोर्टार दिखाना है, ठीक है, जैसे अभी हम इसमें दिखाए थे, तो इसमें जल्दी से तुम दिखा दो, ठीक है, टाइम कम लगेगा, इस तरीके से जल्दी से वीडियो पॉज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पूरे में दिखाना है चारों साइड से, और इसमें कॉन्क्रीटिंग दिखानी है, इसमें कॉन्क्रीटिंग दिखानी है। ये तुम्हारा क्या है दोस्तों, इनर ब्लॉक है, तो तुम इस तरीके से जल्दी से ये इसमें दिखा दो, ठीक है, चारों साइड से। देखिए तो ये मैंने पूरा यहाँ सीमेंट मोर्टार दिखा दिया है जो जॉइंट होता है, ठीक है, और ये पूरा कॉन्क्रीटिंग, तो तुम इसकी भी नेमिंग कर दो। ये तुम्हारा क्या बन चुका है, ये है तुम्हारा कॉलर जॉइंट, ये तुम्हारा क्या है, कॉलर जॉइंट, ये भी तुम्हारा 12 mm थिक है, ठीक है, और ये भी तुम्हारा सीमेंट मोर्टार का ही होता है, सीमेंट मोर्टार, ठीक है। ये अब इसके बाहर तुम्हें एक रिंग और लगानी है, क्या करनी है, एक रिंग और लगानी है, ठीक है। तो चलिए एक रिंग और लगाते हैं, और देखिए कैसे लगाना है। तो उसके लिए देखिए तुम्हें फिर से ईंट का वही साइज़ पता होना चाहिए, हेडर वाला 10 cm × 10 cm, स्केल में चेंज करोगे 1 cm × 1 cm आ जाएगा, ठीक है। तो तुम फिर से एक पॉइंट ऐसे रखो, इसको यहाँ सेट करो, और 1 cm पर फिर से तुम इस तरीके से ऊपर पॉइंट रखो ऐसे, और फिर से तुम कंपास ले लो, फिर से तुम कंपास लो ऐसे, और इधर से फैलाओ ऐसे, और इसको बनाओ ऐसे, लेकिन ध्यान रखना ये तुमको कहाँ तक लेके आना है, ये तुमको यहाँ तक लेके आना है, हाफ सर्किल तक, ठीक है, ये यहीं कहीं तक आएगा तुम्हारा, केवल यहीं तक, और इसको लेके जाना है, ये केवल यहीं तक, ठीक है, बस यहीं तक। और इसके बाद अब ये देखो तुम्हें इसके साथ मिलाना है, ये सेंटर से होकर जाना चाहिए, ठीक है, और इसको मिलाना है इसके साथ। इतना तुम कर दिए, कोई दिक्कत हुई क्या यहाँ तक, बताइए पहले, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, चलिए नहीं हुई होगी। चलिए अब दोस्तों इसमें हम ब्रिक्स दिखाते हैं, ठीक है, ये हम सब तो कर लिए, लेकिन ब्रिक्स इसमें हमें रह गई हैं। ब्रिक्स नहीं बनाएंगे तो वो फिर काय का हमारा जो है रिंग होगा, ब्रिक रिंग नहीं कहलाएगा फिर वो। देखिए अब आपको ब्रिक्स कैसी लगानी है, तो सबसे पहली जो ब्रिक होगी, चलिए ब्लू पेन से बनाते हैं, सबसे पहली ब्रिक देखिए आप ड्राइंग में उल्टा करते हैं, ठीक है, जब आप ये बना रहे होंगे तो ब्रिक्स आप नीचे से लगाना शुरू किए होंगे ऐसे, लेकिन ड्राइंग में आप ऊपर से दिखाएंगे, ठीक है। देखिए पहली आप ब्रिक्स ऐसे सेंटर में ले जा करके ऐसे लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, हेडर साइड से लगा रहे हैं। अब तुम ऐसे घुमाओगे अपना MD और 1 cm इस तरीके से लोगे, क्योंकि ये तुम दिखा रहे हो किसका साइज़, ये तुम दिखा रहे हो किसका साइज़, जो हैडर है, इस तरीके से, इसी तरीके से इस साइड 1 cm लोगे ऐसे, 1 cm लोगे ऐसे, फिर 1 cm, तो अब तुम ये पूरा बना दो यहाँ तक, और ये पूरा नीचे तक, ठीक है, और यहाँ तुम ऐसे सेट करोगे, यहाँ तुम सेंटर से नहीं लोगे, यहाँ तुम लोगे नीचे से, ठीक है, यहाँ तुम कैसे लोगे, नीचे से ऐसे तुम रखोगे 1 cm इस तरीके से, और ऐसे फिर 1 cm पर सेट करोगे ऐसे, तो ये तुम्हारा अगला ईंट लगता जाएगा। तो ये तुमको लगाते जाना ऐसे पूरा यहाँ तक, और इनको लगाइए ऐसे,
और इनको लगाइए ऐसे, ठीक है। तो मैंने बता दिया और आपने अगर बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ी होगी तो आइडिया लग गया होगा, ठीक है। चलिए बनाइए। देखिए दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे ब्रिक्स जो है बना दी हैं, आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से आपको बनानी थी। अब इनकी करनी है नेमिंग। देखिए तो ये जो पहली रिंग लगाई थी सबसे अंदर उसको कहते हैं इनर रिंग, और ये जो बाहर से हमने यहाँ तक लगाई हुई है ये होती है आउटर रिंग। तो इसकी नेमिंग करनी है आपको, ठीक है। तो ये क्या है, इनर रिंग एंड आउटर रिंग, ठीक है, और फर्स्ट क्लास रेडियल ब्रिक इन सीमेंट मोर्टार 1:3 क्या दिया था इसमें, कुछ भी नहीं दिया है। चलिए तो 1:3 में हम यूज़ करते हैं, नहीं दिया तो लिख लो, ठीक है। हाँ, इसको करते हैं रेड पेन से, एक सेकेंड। ये रहा, ये क्या है दोस्तों, ये सबसे पहले अंदर वाला क्या है, तो ये है इनर रिंग, इनर, यहाँ आर कर लेना, ठीक है, इनर रिंग। इधर आर कर लेना, ठीक है, इनर रिंग। और ये क्या है, आउटर रिंग और ब्रिक इन सीमेंट मोर्टार, वन रेशियो थ्री, ठीक है। ये है इनर रिंग और ये है तुम्हारा आउटर रिंग। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए नहीं होगा। अब दोस्तों आपको लेना है बैड सपोर्ट। तो मैंने बैड सपोर्ट आपको तीन टाइप के बताए थे, ठीक है, तीनों के तीनों आपको आते होंगे। सैडल टाइप भी आता होगा, एनकेसिंग टाइप भी आता होगा, आपका हंचिंग टाइप भी आता होगा, ठीक है। मैंने तीनों के तीनों बताए थे, अगर मेरे पास पेज हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सेकेंड, फिलहाल अभी तो नहीं है मुझे लग रहा है, एक सेकंड वेट करिए, मैं दिखा भी देता हूँ। जो लोग वीडियो नहीं देखते हैं ना डीप में, उनके लिए है। चलिए रहा, देखिए ये हम बताए थे आपको, देखिए ये सैडल टाइप होता है, ये हंचिंग टाइप होता है, ये आपका एन केसिंग टाइप होता है, जिस टाइप का आप बनाना चाहें यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए हम बना देते हैं दोस्तों, कोई भी आप जो बनाना चाहें वो आप बनाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 15 सेंटीमीटर नीचे जाना है, ठीक है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर नीचे जाते हैं। तो 15 सेंटीमीटर देखिए कैसे नीचे जाएंगे हम लोग, ये जो ब्लॉक है यहाँ से 15 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस हम नीचे गए हुए हैं। ओके, अब इस साइड से जो पाइप रहेगा यहाँ से तुम्हें 1.5 सेंटीमीटर लेना है, इस साइड भी 1.5, और ये तो मेजरमेंट पता ही होगी कितनी है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तुम डिस्टेंस जो है यहाँ पे ले लिए हो, कोई यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, और इसको तुम थोड़ा सा मार्क कर दो, तो ये 1.5 यहाँ पर आएगा, और जो तुम्हारा इस साइड 1.5 होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद तुम इसको मिला दोगे इसके साथ, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको आप जो आपके पास कंपास है वो उठाइए और इसको मैच करिए इसके साथ ऐसे। अब देखिए ये आधा ब्लैक आधा रेड हो जाएगा, और फिर इसको आपको इसके साथ टच कराना है, ठीक है। तो देखिए मेरा तो थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, अगर आप गौर से देखेंगे तो थोड़ा सा मेरा पेज यहाँ पे कम पड़ गया, बट आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आपकी ड्राइंग शीट बड़ी होगी तो ये कैसे जाने वाला है, ठीक है। तो समझिए इस चीज़ को, ठीक है, ये तुम ऐसे ले जाओगे इसके साथ और ऐसे मिलाते हुए, ठीक है, ये तुम्हारा ऊपर से ऐसे जाएगा ऐसे घूमते हुए, और ये ऐसे आ जाएगा, इसके साथ, ठीक है, ऐसे मिलाना, और ये पूरा कंक्रीटिंग का, तो इसमें अब तुम्हें कंक्रीटिंग कर देनी है जल्दी से। तो ये तुम ब्लू पेन से कर दो, किसी से भी कर दो, ये तुम्हारा पूरा किसका हो जाएगा, कंक्रीट का।
तो इसमें जल्दी से पूरे में कंक्रीटिंग करनी है तुम्हें, इस पूरे में, ठीक है, यहाँ से ये पूरा तुम्हारा कंक्रीटिंग का है। तो मैं इसमें जल्दी से कंक्रीटिंग करके दिखाता हूँ आपको। चलिए दोस्तों, तो देखिए मैं पूरे में कंक्रीटिंग दिखा चुका हूँ, कुछ इस तरीके से आपको ये जो कंक्रीटिंग है वो दिखानी थी। चलिए इसके बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, इनकी जो नेमिंग थोड़ा बहुत बची हुई है वो नेमिंग आपको पूरी कर देनी है। तो नेमिंग में देखिए हमारा क्या क्या बचा हुआ है, ये हमारा, ये जो हमारा है ये क्या है, सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन, सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन, ठीक है, और ये क्या है, इनर्ट ब्लॉक, ये है आपका इनर्ट ब्लॉक। इसका साइज क्या था, 120 mm इंटू 400 mm, इसका ये क्या है साइज है, ठीक है। तो ये तुमने इसका साइज दिखा दिया, तो इतनी चीज़ें आपको दिखानी होती हैं और ये आपका कंप्लीट हुआ। और दोस्तों थोड़ा सा ना यहाँ पर, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ये इतना आपका हो गया। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना, जो इसका एक्स सेक्शन है वो लिख दीजिए यहाँ पे, ये क्या है दोस्तों, एक्स सेक्शन लिख दीजिए, नेमिंग कर दीजिए एक्स सेक्शन ऑफ ब्रिक मेसनरी सर्कुलर सीवर, तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपका दोस्तों कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। और कुछ इस तरीके से इसको हमें बनाना होता है। देखिए अगर कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि सर ये जो तुम सेकंड रिंग है मतलब आउटर रिंग है वो अंदर तक क्यों नहीं लाए, तो देखिए लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टेबल रहता है। यहाँ देखिए पूरा प्रॉपर तरीके से सीमेंट कंक्रीट का फाउंडेशन है, तो वो स्टेबल रहता है, उसको लाने से हमें कोई बेनिफिट नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो वो यहीं तक हम लोग रखते हैं, और जो इनर रिंग है उसको पूरा नीचे तक लेके जाते हैं और अंदर प्लास्टर कर देते हैं, ठीक है, ताकि पानी का फ्लो आसानी से हो सके, ठीक है। चलिए तो अब मिलेंगे दोस्तों जो हमारा अगला वीडियो होगा एक्स शेप सीवर का, ठीक है। और एक्स शेप सीवर में भी सबसे पहले हम न्यू टाइप पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बेसिक वीडियो लाऊंगा, तो उसमें एक प्रोसेस आपको बता दूंगा कि कैसे हम एक्स शेप सीवर जो है बनाते हैं, ठीक है, न्यू टाइप और ओल्ड टाइप, तो आपको डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे। चलिए तो ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू।